न्यूज़ फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, क्या आप अभी इंडिया में आने के बाद इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो? क्या आप नेक्स्ट एग्जाम अभी दो बार ही दे सकोगे? सो एक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी जो NMC ने ड्राफ्ट इश्यू किया है उनकी वेबसाइट पर, उन्होंने ड्राफ्ट्स में काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। ये अभी ड्राफ्ट है और ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं फाइनल कंफर्मेशन के लिए। तो अभी तक ये जो इन्होंने जो रूल्स बताए हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये कब अप्लाई होंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रूल कि इन्होंने क्या बताया है कि आप जब भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को अप्लाई करोगे तो आप 10th और 12th आप अपने बोर्ड से सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी कि आपका पूरा करिकुलम मैक्सिमम आपका 12th क्लास तक होना चाहिए और आप 12th क्लास तक आप जो लास्ट 11th और 12th क्लास है आप उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये सब्जेक्ट मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ आप नीट भी क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। अबाउट कॉलेज क्राइटेरिया कि कॉलेज का कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फर्स्टली आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन्स लोगे तो आप 4.5 years का आपका जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके टोटल 54 months का आपका टोटल प्रैक्टिकल प्लस थेरोटिकल लेसन इसमें होने चाहिए, प्लस इसके साथ साथ आपकी इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है ये मेनली रशियन और किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट जो बताया कि अगर आपका कोर्स ओनली 4 years का है तो आपको 1 साल की जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी है आपके उस कंट्री में, और वो इंटर्नशिप आपकी सेम होनी चाहिए एज लाइक एज इंडिया। मेनली जो एक कंसर्न होता है ये होता है फिलीपींस और आयरलैंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो कोर्स रहता है 4 years का होता है, BS कोर्स उनका वो 1.5 and 2 years का होता है, और साथ साथ उनकी 1 साल की इंटर्नशिप भी वहाँ पर इंक्लूड होती है, यानी कि टोटल उनका जो कोर्स होता है वो टोटल अप्रॉक्सी 7 years का हो जाता है फिलीपींस स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए ये 4 years का कोर्स उनका होना चाहिए टोटल इंग्लिश में, और साथ साथ उनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें इन्होंने पॉइंट बताया है कि आप जिस कॉलेज से एडमिशन लोगे उसी कॉलेज से आप इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि इस पॉइंट का मतलब यह आता है कि आप बीच में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। सो जो भी स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र लेने की सोचते हैं बहुत सारे कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो अभी वो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते बिकॉज एज द न्यू रेगुलेशन आप किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। आप जिस कंट्री से भी ग्रेजुएट हो रहे हो या फिर किसी भी कॉलेज से आप जब ग्रेजुएट होते हो तब आपको लास्ट एग्ज़ाम उनकी स्टेट जो एग्ज़ाम है वो आपको देनी पड़ेगी, और वहाँ पर आपको रजिस्टर होना होगा, और उस लाइसेंस की आपकी जो वैलिडिटी हो अराउंड 10 years, मिनिमम 10 years आपकी होनी चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट, इन्होंने नेक्स्ट के लिए क्या क्या कहा है। नेक्स्ट एग्जाम 2 phases में होगी, next 1 and next 2। जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनके लिए next 1 में एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें उनके क्लिनिकल एंड पैराक्लिनिकल नॉलेज को एक्सेस किया जाएगा। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात जो कही है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को within 2 years के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि आपके ओपिनियन क्या है, क्या क्राइटेरिया इन्होंने सही डाला है या फिर ये क्राइटेरिया इन्होंने गलत बताया है, और इस नए ड्राफ्ट से क्या आप खुश हो या फिर आप अनसेटिस्फाई हो, तो ये भी बातें आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम किसी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।